शारदाम नम जननी शवीं रामकृष्ण जगद्गु पादप्दिवा प्रणमा मुहुर्मु नम श्र्यतिराजा विवेकानंदसूर सच्चिसुखस्व स्वामी नेतापहारिण्य आज डे है गणतंत्र दिवस इस अवसर पर सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई आज के दिन हम उन सभी स्वातंत्र संग्रामी क्रांतिकारी देशभक्तों को याद करते हैं जिनके बलिदान के फलस्वरूप हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई उन सब शहीदों को हम स्मरण करते हैं जिन्होंने हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी उन सभी सैनिकों की प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जो आज भी डटे हुए हैं हमारी सीमा पर लोहा रहे हैं लोहा ले रहे हैं आज भी वे दूसरे पड़ोसी देशों के जो उनकी सेनाओं के साथ भीड़ रहे हैं और हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं और अपने अपने जीवन को इसमें देश सेवा में लगा रहे हैं उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो आज यदि स्वामी विवेकानंद होते तो क्या संदेश देते मुझे लगता है ये वही संदेश देते जो उन्होंने मिस मैक्लाउड को दिया था मिस मैकलाउड अमेरिकन शिष्या एक बार उन्होंने पूछा था स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी हाउ कैन आई सर्व यू मैं आपकी सेवा कैसे कर सकती हूँ अब तो उन्होंने जब कहा था वो आज भी बहुत प्रासंगिक है बहुत महत्वपूर्ण है और यही हम समझ सकते हैं रिपब्लिक डे का मैसेज होना चाहिए सबके लिए वो क्या था स्वामी विवेकानंद जी ने यह नहीं कहा कि मेरे लिए केक लाना या मेरे लिए ड्रेस लाना है मेरे लिए कपड़े लाना या और कुछ भी नहीं मंगा उन्होंने यहां तक कि उन्होंने डोनेशन भी नहीं मंगा अपने मठ के लिए उन्होंने क्या मंगा उन्होंने कहा लव इंडिया भारत को प्रेम करो स्वामी विवेकानंद जी अमेरिकन शिक्षा को बोल रहे हैं भारत को प्रेम करो सिस्टर क्रिस्टिन को बोल सिस्टर क्रिस्टियन को बोलते हैं भारत को प्रेम करो सिस्टर निवेदिता को बोलते हैं भारत को प्रेम करो इंग्लैंड की थी ब्रिटिश थी तो भारतवासी को स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं भारत को प्रेम करो लव इंडिया स्वामी विवेकानंद जी किस प्रकार से भारत को प्रेम करते थे उसकी बात कल हम लोगों ने की थी कितनी रातें उन्होंने रो रो कर बिताई थी देशवासियों के लिए सच्चा देश प्रेम भारत को प्रेम करो या स्वदेश प्रेम या राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र भक्ति उसकी तीन शर्तें स्वामी जी ने खुद ने कही थी उसकी भी चर्चा हमने कल की तीन शर्तें क्या आप सच्चे देशभक्त हो क्या सचमुच में आप राष्ट्र को प्रेम करते हो सचमुच में देश को प्रेम करते हो तो उसकी तीन शर्तें उन्होंने बताई थी एक देश के लिए देशवासियों के लिए रोना उनके लिए अनुभव करना उनके दुखों का अनुभव करना और दूसरा कुछ न कुछ एक योजना बनाना उनके उन दुखों को दूर करने के लिए और तीसरा उस योजना पर डटे रहना चाहे समस्त विश्व आपके सामने हो जाए तो भी दृढ़ संकल्प के साथ उस योजना का कार्यान्व कार्यान्वित करना ये तीन उन्होंने बताई थी ये तीनों शर्तें हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन में फलीभूत होती है कितना वे देशवासी के लिए रोते थे कितनी रातें रोते थे ये सब बातें हमने कल कही थी और फिर उन्होंने कन्याकुमारी को शिलाखंड पर बेस बैठ करके ध्यान किया था किसी साधारण देवी देवता का नहीं भारत माता का ध्यान किया भारत की प्राचीन महिमा भारत का वर्तमान उस समय का तत्कालीन वर्तमान उनकी अवस्था दुरावस्था और भारत का में भविष्य स्वर्णिम भविष्य ये सब की कल्पना ये सब के बारे में स्वामी जी ने ध्यान किया था कन्याकुमारी को शिलाखंड पर बैठ करके और स्वयं उन्होंने पत्र में लिखा था सिटिंग ऑन द लास्ट बिट ऑफ रॉक एट कन्याकुमारी आई बिकेम कंडेंस्ड इंडिया कन्याकुमारी के उस शिलाखंड पर बैठ करके मैं घनीभूत भारत बन गया था समस्त भारत का निचोड़ ये है स्वामी विवेकानंद समस्त भारत का निचोड़ कंडेंस्ड इंडिया स्वामी जी स्वयं स्वीकार करते हैं सिटिंग ऑन द लास्ट बीट ऑफ रॉकेट कन्याकुमारी आई बिकेम कंडेंस्ड इंडिया घनीभूत भारत बन गया इसलिए हमको यदि भारत को समझना है तो स्वामी विवेकानंद को समझना पड़ेगा और यह स्वामी विवेकानंद जी को इनके पुस्तकों को पढ़ करके कितने कितने देशवासियों का उनको उनके भीतर में देशभक्ति भर गई थी विशेष करके उन्होंने जो भारतवासियों को संबोधन करके कहा था उसके कारण वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि जब मैंने वह पैसेज पढ़ा वो भारतवासी मत भूलना तो एक मानो विद्युत का झटका मुझे लगा और मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया कितने लोगों के कितने देशवासियों के कितने क्रांतिकारियों के कितने महान लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया मात्र ये एक पैसेज के द्वारा जिसको हम आजकल स्वदेश मंत्र के नाम से जानते हैं यह स्वामी विवेकानंद का स्वदेश मंत्र आपको स्वामी विवेकानंद की किताबों में सभी किताब मिलेगा कंप्लीट वर्स में मिलेगा और ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद नाइन वॉल्यूम है इंग्लिश में उसके हिंदी में अनुवाद हुए हैं विवेकानंद साहित्य के नाम से गुजराती में गुजराती ग्रंथमाला वो भी नाइन खंड नौ भाग में है हिंदी में दस भाग में है और भी विविध भाषाओं में उसके अनुवाद हुए हैं कई भाषाओं में देश विदेश की कई भाषाओं में कंप्लीट वर्ष के अनुवाद हुए हैं और यदि छोटी किताब है तो विवेकानंद राष्ट्र को आह्वान ये छोटी सी किताब में भी लास्ट पेज में वह पैसेज दिया हुआ है जिस पैसेज में से उस पैसेज को पढ़ने से अपने आप में देशभक्ति आ जाती है स्वामी जी कहते हैं ना देश को प्रेम करो पर देश को प्रेम कैसे आएगा देश को प्रेम करने का मतलब क्या होता है देश को प्रेम करना मतलब देशवासियों को प्रेम करना देश की मिट्टी को प्रेम करना भारत की मिट्टी भारत माता की मिट्टी को प्रेम करना भारत माता के लोगों को प्रेम करना भारत माता के जो दरिद्र हैं उनकी सेवा करना जो रोगी हैं उनकी सेवा करना अपना अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको अच्छी तरह करना एक विद्यार्थी यदि सचमुच में भारत के प्रति उसमें प्रेम आता है देशभक्ति आ जाती है तो कभी परीक्षा में चोरी नहीं करेगा वो अच्छी तरह पढ़ाई करेगा तो पूर्वक पढ़ाई करेगा क्यों मैं अपने देश को प्रेम करता हूं मेरे को देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना है वह तन्मयतापूर्वक पढ़ाई करेगा एक शिक्षक उसमें यदि भारत के प्रति प्रेम आ जाता है सारे एक रामबाण दवा दे दी है स्वामी जी ने लव इंडिया बस लव इंडिया आ गया सबके भीतर में भारत के जितने लोग हैं उनके भीतर में लव इंडिया नाम की भावना आ गई भारत के प्रति भारत माता के प्रति प्रेम आ गया तो इमीजिएटली दे विल बिकम एन लाइट इन सिटीजन्स ऑफ इंडिया प्रबुद्ध नागरिक बन जाएंगे अपने आप फिर वो रास्ता खोज लेंगे एक शिक्षक जब भारत को प्रेम करेगा भारत माता को प्रेम करेगा तो वह उसका तब तो उसका उद्देश्य रहेगा कैसे मैं भावी भारत की भावी पीढ़ी को किस प्रकार से अच्छे से अच्छी प्रकार की शिक्षा दूं वह फिर उसके उसका अटेंशन फिर टी ए डी ए लीव इस पर नहीं रहेगा उसका अटेंशन रहेगा भावी प्रबुद्ध नागरिक मुझे तैयार करना है और कितनी भी मुझे कष्ट मुश्किलियाँ मेरी कठिनाई मेरे जीवन में आती हो कितने भी प्रकार के प्रेशर चारों ओर से आते हूँ मैं अपने जीवन मैं अपना करते हुए करूँगा क्योंकि मैं अपने देश को प्रेम करता हूँ मेरे को भारत माता की भविष्य पीढ़ी को निर्माण करना है एक आई ऑफिसर आई ऑफिसर वो कभी भ्रष्टाचार नहीं करेगा यदि वो भारत माता को प्रेम करता है एक गवर्नमेंट ऑफिसर एक बिजनेसमैन वो कभी बेमानी नहीं करेगा यदि वो उसके भीतर में भारत माता के प्रति प्रेम है हमारे देश के जितने लोग हैं अपनी अपनी जगह पर रहते हुए भारत माता को प्रेम करने का सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ उपाय है मेरा जो कर्तव्य है स्वधर्म है उसको मैं अच्छी तरह करूं निष्ठापूर्वक करूं ईमानदारी पूर्वक करूं यही सबसे बड़ी देश की सेवा है उसके सिवा भी यदि कुछ सेवा कर सकते हैं कुछ लोग आर्मी में जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है देश के लिए मरने के लिए तैयार हों देश के लिए जीने के लिए तैयार हों वो भी दोनों ठीक ही है फिर और भी कुछ सेवा हो निरक्षर लोग हैं उनको साक्षर करना पेड़ लगाना कुछ भी सेवा स्वच्छता आंदोलन में भाग लेना कितनी प्रकार की सेवा हम कर सकते हैं पर सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसको निष्ठापूर्वक करें पूर्वक नहीं पर ईमानदारी पूर्वक करें और ये सब कैसे भारत के प्रति प्रेम आएगा भारत के प्रति प्रेम आएगा तो सभी दुखों की दवा है भारत के प्रति प्रेम लव इंडिया ये कैसे आएगा जब हम स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ेंगे एक ही पैसेज हम यहां पर पढ़ रहे हैं उससे आपको पता लगेगा कल भी एक पैसेज हमने पढ़ा था कि कैसे देशभक्ति की भावना के बारे में तीन शर्तें थी उसको हमने कल पढ़ा था आज हम ये भारतवासी के प्रति जो उन्होंने उस समय स्वाधीनता के पचास वर्षों पूर्व उन्होंने जब सब भारतवासियों को तैयार किया था स्वदेश आंदोलन के लिए उस समय जो उन्होंने कहा था आज भी उतना ही प्रासंगिक है क्योंकि अभी भी हमें मंजिल तय करनी है हमने अंतिम मंजिल पाई नहीं है एक कदम आगे बढ़ गए हैं अवश्य स्वाधीनता प्राप्त कर ली है परंतु वह स्वामी विवेकानंद का स्वप्न नहीं था स्वामी विवेकानंद का स्वप्न अभी पूर्ण होना बाकी है तो यह स्वामी जी का जो कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण वह संदेश ए भारत तुम मत भूलना कि तुम्हारे स्त्रियों का आदर्श सीता सावित्री दमयंती है मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमाना शंकर हैं मत भूलना कि तुम्हारा विवाह तुम्हारा धन और तुम्हारा जीवन इंद्रिय सुख के लिए अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए स्वरूप रखे गए हो मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया के छाया मात्र है मत भूलना कि नीच अज्ञानी दरिद्र चमार और मेहतर तुम्हारा रक्त और तुम्हारे भाई हैं ऐ वीर साहस का आश्रय लो गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है बोलो कि अज्ञानी भारतवासी निर्धन भारतवासी ब्राह्मण भारतवासी चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं तुम भी कटिमात्र में वस्त्र लपेट कर गर्व से पुकार कर कहो कि भारतवासी मेरा भाई है भारतवासी मेरे प्राण हैं भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं भारत का समाज मेरा पालना मेरे यौवन का उपवन और मेरे वार्धक्य की वाराणसी है भाई बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है और रात दिन कहते रहो कि हे गौरीनाथ हे जगदम्बे मुझे मनुष्यत्व दो माँ मेरी दुर्बलता और का पूछता दूर कर दो मुझे मनुष्य बनाओ माँ मुझे मनुष्य बनाओ ऐसे ऐसे स्वामी विवेकानंद के अत्यंत उत्साह प्रेरक अग्नि में भाषण के द्वारा ही जो कोलंबो से लेकर अलमुड़ा तक उन्होंने दिए थे उन भाषणों के द्वारा पत्रावली में जो उन्होंने दिखे थे जो पत्र उसमें जो प्रेरणादायी उन्होंने वचन कहे थे इन सब वचनों के कारण ही हमारे उस समय के युवा वर्ग ने प्रेरित होकर के अपनी जान की बाजी लगा दी और स्वाधीनता हमें प्राप्त हुई हमारे देश के जितने क्रांतिकारी पूरा लिस्ट आपको मिलेगा अभी नई नई रिसर्च हो रही है कितने सारे रिपोर्ट्स सीआईडी डिपार्टमेंट ने ऐसे लखाए सैकड़ों ऐसे क्रांतिकारी जिनके यहाँ स्वामी विवेकानंद की किताब पाई गई थी जिनके बारे में कहा गया था ये स्वामी विवेकानंद की किताबें बहुत डेंजरस है सब क्रांतिकारियों के यहाँ पर पाई जाती है पूरा लिस्ट उन्होंने बनाया था सी डिपार्टमेंट ने कि ये इतने सारे क्रांतिकारी हैं ये सभी स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हैं 1905 हमारा देश की जो स्वाधीनता हमको जो 1947 में मिली प्रारंभ हुआ अठारह के वह बगावत से परंतु तो वह वहीं पर दबा दिया गया पर दूसरा एक बहुत बड़ा जो आंदोलन हुआ जिस फाउंडेशन पर जिस भित्ती पर पूरी स्वाधीनता आंदोलन बाद में और आगे बढ़ गई वह था बंग भंग आंदोलन 1905 में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि उस समय ये जितने लोग थे जितने युवक लोग थे ये स्वामी विवेकानंद से ऐसे प्रेरित हुए क्योंकि स्वामी जी ने 1902 में उन्होंने शरीर छोड़ा था अभी ताज़ा ताज़ा उनके सब उनके सब विचार चारों ओर वायुमंडल में घूम रहे थे और उनकी किताबों में वह सब समाहित थे इनसे प्रेरित होकर के ये बंग बंग आंदोलन में कितने क्रांतिक ने अपने जीवन दे दिए वहाँ से शुरू होती है एक नई प्रकार की स्वाधीनता आंदोलन की नींव वहाँ पर पड़ती है और फिर धीरे 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 और भी बाद में गांधी जी आते हैं फिर और आगे ले जाते हैं फिर आज़ाद हिंद फौज होती है सुभाष चंद्र बोस ने कैसे शुरू किया ये हमने सब बताया था इस प्रकार से प्रेशर बढ़ता जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट पर और बाद में स्वाधीनता मिलती है पर उसके भीतर में कितने कितने लोगों ने स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा प्राप्त की शायद ही कोई ऐसा हो जिन्होंने प्रेरणा प्राप्त नहीं की हो तो उसमें महात्मा गांधी जब आए थे बेलूमठ 30 जनवरी 1921 की बात है दो बार स्वामी जी बेलूमठ आए 1901 में आए थे स्वामी जी से मिलने के लिए वो नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था नेशनल नेशनल अधिवेशन था उस समय वो आए थे कलकत्ता तो उन्होंने सोचा स्वामी विवेकानंद से मुलाकात हो जाए पर स्वामी विवेकानंद दुर्भाग्य से उस दिन बेलूमठ में नहीं थे तो उनको वापस लौटना पड़ा था पैदल चल के गए थे गांधी जी उनसे मिलने के लिए इतनी उनको उत्कंठा थी फिर 1921 में जब आए थे तो उसके साथ मोतीलाल नेहरू वगैरह बहुत सारे लोग थे उस समय सभी ने कहा गांधी जी भाषण दीजिए गांधी जी ने कहा मैं भाषण देने नहीं आया मैं तो यह महामानव स्वामी विवेकानंद के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि देने आया हूं पर यहां जितने युवक लोग हैं उनको मैं एक ही बात कहूंगा जब इस महास्थल पर आए हो तो खाली हाथ वापस मत लौटना यहां की कुछ प्रेरणा अपने हृदय में लेकर के जाना और फिर गांधी जी ने कहा स्वामी विवेकानंद के ग्रंथों का अध्ययन करना मैंने स्वयं स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ा है और स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ने के बाद मेरे में जो देशभक्ति थी वो हजार गुना बढ़ गई गांधी जी कहते हैं मेरी देशभक्ति हजार गुना बढ़ गई स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ करके अपने आप बढ़ जाती है हमने कहा ना लव इंडिया लव इंडिया कैसे आएगा स्वामी जी की किताबों पढ़ो अपने आप आ जाएगा किताबों को पढ़ने के अपने आप आ जाएगा जैसे इन लोगों को आया नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो कहते हैं यदि आज स्वामी विवेकानंद जी होते तो मैं उनके चरणों में रहता और स्वामी विवेकानंद ने ही मेरे जीवन में यह जो परिवर्तन हुआ उस सब के लिए मैं स्वामी जी के प्रति ऋणी हूँ उनके विचारों के कारण मेरे में अद्भुत परिवर्तन आया और उन्हीं के विचारों को मूर्त स्वरूप देने के लिए सुभाष चंद्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जान दे दी पहले तो जैसा हमने कहा सन्यासी बनने के लिए आए थे पर स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा नहीं तुमको देश के लिए अलग प्रकार से सेवा करनी है वो तो त्रिकाल ज्ञानी थे वो समझ गए थे कि नेताजी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बहुत बड़ा काम होगा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो कि हमारे भारत के प्रधान राष्ट्रपति बने थे बाद में तो डॉक्टर राधा कृष्णन ये कहते हैं कि जब हमारे मित्रों को हम पत्र लिखते तो उसमें स्वामी विवेकानंद के पत्रों को उद्धृत कर देते दे थे क्यों क्योंकि स्वामी विवेकानंद के पत्रों का जो संग्रह था उसका नाम था पत्रावली अभी लेटेस्ट रिसर्च करके देखा गया है पत्रावली नाम का जो बंगला ग्रंथ था उसमें डॉक्टर राधा कृष्ण कलकत्ता में थे तो पत्रावली नाम का जो ग्रंथ था बंगाली उसके लिए सी डिपार्टमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा था टू प्रोस्क्राइब दिस बुक इस किताब को बैन करना पड़ेगा प्रतिबंधित करना पड़ेगा क्यों अधिकांश क्रांतिकारियों के यहाँ पर ये स्वामी विवेकानंद की पत्रावली किताब पाई जाती है और भी कुछ किताबें पाई जाती है पर पत्रावली सब जगह मिलती है तो स्वामी विवेकानंद की पत्रावली और ये दूसरी किताबें ये बहुत डेंजरस मानी जाती थी इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि ब्रिटिश नजर गवर्नमेंट की नज़र में हम ना आ जाए इसलिए स्वामी विवेकानंद के अत्यंत यह प्रेरणादायी पत्रों को हम अपने पत्रों में उद्धृत कर देते थे और इस प्रकार से स्वामी जी के विचारों का लेन आदान प्रदान हम लोग करते थे श्री अरविंदो श्री अरविंदो कहते हैं कि सरविंदो हम लोग जानते हैं किस प्रकार से श्री अरविंदो को भेजा गया था बोड़ा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड उन्होंने जब आई थी तेईस अक्टूबर 1902 को सिस्टर निवेदिता बड़ौदा आई थी तो उसके स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन में श्री अरविंदो को भेजा था वे प्रिंसिपल थे बड़ौदा कॉलेज के बाद में ही बड़ौदा कॉलेज महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी बड़ौदा हुई तो उसमें तो बड़ौदा कॉलेज थी उसके प्रिंसिपल थे सैयाजीराव गायकवाड़ अरविंदो को, को लाए थे इंग्लैंड से वे आई -से में पास हो गए थे केवल घुड़सवारी में पास नहीं हुए थे उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया चलो तो हमारे पास और यहाँ पर सो सिस्टर निवेदिता को उन्होंने भेजा था रेलवे स्टेशन में और श्री अरविंदो लिखते अपनी डायरी में एंड फ्रॉम द टाइम आई रिसीव निवेदिता वी टॉक नथिंग बट पॉलिटिक्स केवल राजनीति की ही बातें हुई किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा ये सब बातें निवेदिता ने वहां श्री अरविंदो को की और श्री अरविंदो बाद में जाते हैं कलकत्ता नौकरी छोड़ देते हैं और किस प्रकार से स्वाधीनता आंदोलन में अपना योगदान देते हैं ये सब तो कहानी हमको मालूम है पर श्री अरविंद बोलते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो अमेरिका गए थे वो केवल हमारे भारत को बचाने के लिए नहीं भारत को सारे विश्व में विश्वगुरु बनाने के लिए गए थे इसीलिए उन्होंने जो इस प्रकार का दिग्विजय किया वह अभूतपूर्व दिग्विजय था ऐसा श्री अरविंद मानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो यही कहा था कि आज के युवा वर्ग को स्वामी विवेकानंद से विचारों से बहुत ही फायदा होगा और उनसे वह प्रेरित होंगे और फिर रोला को उन्होंने कहा था फ्रेंच मनीषी शी रोमोला ये दोनों नोबेल प्राइज विनर दोनों को लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर का भी मिला था रोमारोला का भी मिला था तो रोमारोला को उन्होंने कहा था श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने रोमारोला को कहा था इफ़ यू वॉन्ट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद इन हीम एवरीथिंग इज पॉजिटिव नथिंग नेगेटिव यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ें उसमें सब कुछ सकारात्मक है नकारात्मक कुछ भी नहीं है बाद में फ्रेंच मनीष रोमारोला ने जब किताबें पढ़ी वे इतने प्रभावित हुए फिर तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद पर जीवन चरित्र भी लिखा और फिर स्वामी जी के शब्दों के बारे में कहा हिज वर्ड्स अ ग्रेट म्यूजिक फ्रेज इन द स्टाइल ऑफ बिदोवन I cannot touch these sayings scattered as they are दीस the pages at a thirty's distance without receiving the thrill through my body like an electric shock. आज भी जब मैं स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ता हूँ तो माने विद्युत का झटका लगता है ऐसा रोमांच होता है ये फ्रेंच मनीष्री रोमारोला की है इस स्वामी विवेकानंद के विचारों से वे इतने झंकृत हो जाता हो जाते थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य बोलते हैं कि आज यदि स्वामी विवेकानंद नहीं होते तो हम स्वाधीन नहीं होते हमारी स्वाधीनता आंदोलन के भित्ति में स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा रही हुई है बिना स्वामी विवेकानंद के हम लोग न तो आज़ाद हो सकते न तो हिंदू धर्म ही बचता न भारत ही बचता यदि स्वामी विवेकानंद नहीं होते ऐसा चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य कहते हैं काका साहेब कालेरकर बहुत महान बड़े साहित्यकार गुजरात के वे क्या कहते हैं कि हम उस समय के युवक था मैं जबकि जब हम लोग पराधीन भारत में थे और उस समय जब स्वामी विवेकानंद की हम लोगों ने सुना कि उन्होंने इस प्रकार से शिकागो विश्व धर्म सभा में दिग्विजय किया है ये सब बातें जब सुनते थे हमारी छाती एक फूल जाती थी हम इतने गौरवान्वित हो जाते थे तब तो तक हमारे में आत्मविश्वास ही नहीं था हम अपने को निकृष्ट समझते थे हम अपने देश को निकृष्ट समझते थे हम अपनी संस्कृति को निकृष्ट समझते थे स्वामी विवेकानंद की गरिमा और उनकी जीत उनका दिग्विजय उनकी सब बातें जब कहा कि उन्होंने वहाँ पर दिग्विजय किया है विश्व विजय किया है ये सब बातें मैं उस समय का युवक हूँ हमारे समय में शायद ही कोई युवक हो जो इस प्रकार से प्रभावित न हुआ हो और मैं उस जनरेशन का हूँ उस युवा वर्ग की का प्रतिनिधि हूँ जो स्वामी विवेकानंद के इन विचारों से अद्भुत रूप से प्रेरित हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने कहा मैं नहीं जानता आजकल के कितने युवा लोग स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ते हैं हमारे समय में शायद ही कोई युवक ऐसा हो जो स्वामी विवेकानंद की किताबें न पढ़ता हो उससे प्रेरित न हुआ हो और उससे वो देशभक्ति उसमें न आई हो कोई ऐसा नहीं है ऐसे हमारे देश के जितने महान देशभक्त तो महान क्रांतिकारी और तो कुछ बहुत रिसर्च करके भी देखा गया है कि बहुत सारे क्रांतिकारी उसमें कई रिपोर्ट भी हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो सीआईडी डिपार्टमेंट के कई रिपोर्ट्स हैं जिसमें कई क्रांतिकारियों के नाम दिए गए हैं सैकड़ों क्रांतिकारियों के नाम दिए गए हैं कि जो स्वामी विवेकानंद की किताबों से प्रभावित हुए थे अभी भी रिसर्च चल रही है काफ़ी कुछ कई किताबें आ भी गई हैं अभी प्रकाशित भी हो गई है इन सब किताबों से हमको पता पड़ता है कि उस समय आज हम कल्पना नहीं कर सकते उस प्रकार किस प्रकार से कि स्वामी विवेकानंद की किताबों से सारे देश में हलचल मच गई थी उनकी किताबों को पढ़ करके किस प्रकार से ये क्रांतिकारी प्रेरित होकर के अपनी जान की बाजी लगा देते थे, थे आज हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं इसलिए आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तब हम स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं जिनकी प्रेरणा से इन स्वाधीनता संग्राम में इन लोगों ने अपनी जान की बच, बाजी लगाई और जिनकी प्रेरणा से आज भी कई लोग देश सेवा में लगे हुए हैं और देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसके लिए अपना जीवन दान दे रहे हैं उन सब के प्रति हम लोग कृतज्ञता व्यक्त करते हैं सिस्टर क्रिस्टिन ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद हमारे जब अमेरिका में गए थे जब भी भारत के बारे में बोलते थे तो एक अलग उनकी अवस्था हो जाती बोले उनके मुँह से इंडिया ये शब्द इंडिया उनके लिए शब्द नहीं था इतना बड़ा एक भाव का स्वरूप था भावों का गुच्छा था इंडिया बोलते ही उनके चेहरे पे एक अलग एक प्रकाश आ जाता था और भारत के प्रति उनकी भारत के प्रति उनकी जो भक्ति भारत के प्रति उनका प्रेम भारतवासियों के प्रति उनकी करुणा ये सब एक शब्द में बोले हम लोग कल्पना नहीं कर सकते एक शब्द में इतनी सारी भावनाएं छुपी हुई होगी जब स्वामी विवेकानंद के मुख से हम इंडिया सुनते थे इंडिया शब्द सुनते थे अमेरिका में सिस्टर क्रिस्टिन बोलती है तो हमारे भीतर में वो भावना उडेल देते थे इतनी प्रकार की उनकी वह शक्ति थी और सिस्टर निवेदिता सिस्टर निवेदिता ने जो कहा है कि सिस्टर निवेदिता तो हम जानते हैं मिस मॉर्गेट नोबल तो अपना सर्वस्व त्याग करके यहाँ पर भारत में आकर के अपना सर्वस्व त्याग करके भारत वर्ष की भारत की माता भारत माता की सेवा के लिए आ गई भारतीय नारियों की शिक्षा के लिए और भारतीय की स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन निवेदित कर दिया इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने उनको जब ब्रह्मचर्य दीक्षा दी उनका नाम दिया निविदिता ये निविदिता क्या बोलती है निवेदिता कहती है भारतवर्ष स्वामी जी के गंभीरतम आवेग का केंद्र था भारतवर्ष उनके हृदय में धड़कता था उनकी शिराओं में प्रतिध्वनित होता था भारतवर्ष उनका दिवा स्वप्न था भारतवर्ष उनके लिए रात का दुस्वप्न था केवल यही नहीं वे स्वयं भारतवर्ष हो गए थे सिस्टर निविदा कहती वे स्वयं भारतवर्ष हो गए थे स्वामी जी खुद ने भी कहा आई बिकम कंडेंस्ड इंडिया रक्त मांस से बनी भारत प्रतिमा भारतवर्ष की आध्यात्मिकता उसकी पवित्रता उसकी प्रज्ञा उसकी शक्ति उसका स्वप्न एवं उसका भविष्य वे सभी के प्रतीक पुरुष थे स्वामी विवेकानंद इसीलिए स्वामी जी को जीवनी पढ़ने से ऐसा लगता है इसलिए स्वामी जी की जीवनी पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे भारत के भारतवर्ष के गर्व से इतना गर्विश शायद कोई नहीं हुआ भारत बोलते ही इतना गर्वित हो जाते थे भारतवर्ष की अक्षमता पर ऐसा निर्मम कषाघात भी शायद ही किसी ने किया हो और इसी प्रकार से कषाघात भी किया है जहां जहाँ उन्होंने निर्बलता देखी है देश के देशवासियों क्योंकि और किसी ने भारतवर्ष को इतना अपना समझा भी नहीं मां जिस तरह संतान के सुख दुख भला बुरा दुर्बलता जरूरत खतरा एवं संभावना की बातें संतान से भी अधिक अच्छी तरह जानती है ठीक उसी तरह स्वामी जी ने भारतवर्ष को पहचाना था इसीलिए अतीत वर्तमान एवं भविष्य भारतवर्ष का हर एक परिपूर्ण चित्र उनकी भावना में था और इसीलिए रविन्द्रनाथ ने रोमारोला से कहा था यदि भारतवर्ष को जानना चाहते तो विवेकानंद को पढ़ो क्यों भारतवर्ष का घनीभूत स्वरूप ये है स्वामी विवेकानंद और उनकी पुस्तकों में हमको स्वामी विवेकानंद जो है उनकी पुस्तकों में भारत के अतीत के बारे में भारत के उस समय के वर्तमान के बारे में और भारतवर्ष के भविष्य के बारे में उन्होंने जो कहा सब कुछ मिलता है एक बार स्वामी विवेकानंद जी बैठे हुए थे बेलूमठ में ध्यान में ध्यान करने के बाद उन्होंने कहा मैंने देख लिया मैंने देख लिया तो सभी उनके गुरु भाई वगैरह उत्तेजित हो गए क्या देख लिया क्या देख लिया बोले मैंने भारत का भविष्य देख लिया पांच सौ वर्ष का अच्छा क्या देखा उत्सुकतापूर्वक उन्होंने पूछा मैंने देखा कि भारत महान बन गया है उसकी गरिमा इतनी अधिक हो गई है कि उसकी प्राचीन महिमा भी मल्लान हो जाएगी ऐसे महिमा से वह गौरवान्वित ऐसा भारत मैंने ध्यान में देखा है ये स्वामी विवेकानंद जी का स्वप्न कभी भी गलत नहीं हो सकता स्वामी विवेकानंद जी भविष्यवेता नहीं थे युग दृष्टा थे उन्होंने जो जो बातें कही सभी सच पड़ी उन्होंने कहा था पचास साल के भीतर भारत स्वाधीन होगा अठारह सौ में मैं कहा था ठीक पचास वर्षों के भीतर भारत स्वाधीन हुआ उन्नीस में उन्होंने ये भी कहा था कि वह असामान्य तरीके से होगा वह भी हुआ असामान्य तरीके से हुआ फिर उन्होंने कहा था ऐसा हो सकता है कि जब ब्रिटिश भारत को छोड़ दें तो शायद चीन भारत पर आक्रमण करे यह भी हुआ उन्नीस में और भी उन्होंने जो जो कहा था सब कुछ सच हुआ है यह भी सच होगा स्वामी जी ने कहा है भारत फिर से जाग उठा है अब कोई भी उसकी गति को रोक नहीं सकता कितना भी करे कोई उसकी गति को रोक नहीं सकता क्यों सारे विश्व को यदि कल्याण चाहिए सारे विश्व में यदि हम तो चाहिए सारे विश्व हम चाहते हैं अहिंसा सारे विश्व में चाहते हैं हम सर्वधर्म समन्वय का भाव सारे विश्व में चाहते हैं कि हम सभी लोग ये ग्लोबल सिविलाइजेशन आ जाए वैश्विक सभ्यता आ जाए और सारे विश्व के लोग सुखी रहें और सारे विश्व के लोग सभी आनंद में रहें यदि हम चाहते हैं विश्व का कल्याण उसका एकमात्र उपाय यही है भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति सारे विश्व में फैल जाए भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति क्या है अहिंसा परमो धर्म ये भारत की संस्कृति है सर्वधर्म समन्वय एकम सद्विप्रा बहुधा वदती ये भारत की संस्कृति है वसुधई व आज से पांच हजार साल पहले किसी ने ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं की थी आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं उस समय वसुध समस्त विश्व वसुधा समस्त ग्लोब होल ग्लोब होल पृथ्वी वसुधा वसुधै व यह एक परिवार है ये होकर ही रहेगा यह नहीं होगा तब तक हमें हमें सारे विश्व का कल्याण नहीं होगा और इसलिए भारत उठेगा अवश्य उठेगा भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा अवश्य बनेगा भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति सारे विश्व में छा जाएगी और यही बात स्वामी जी ने कही थी स्वामी विवेकानंद जी सब भारत में आए तब सारे देश को उन्होंने जगाया उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत लक्ष्य क्या था केवल स्वाधीनता राजनीतिक स्वाधीनता स्वामी जी का लक्ष्य नहीं था उन्होंने साफ कहा था मद्रास के भाषण में कि लक्ष्य क्या है समस्त विश्व पर अपनी संस्कृति के द्वारा विजय यह जब तक नहीं होगा तब तक हमें आगे बढ़ते रहना है गो फॉरवर्ड गो फॉरवर्ड गो फॉरवर्ड आगे बढ़ते रहना है हम लोगों ने उठे जागे स्वाधीनता प्राप्त की फिर बाद में फिर सो गए तो अपने अपने स्वार्थ में सब रथ हो गए मेरी बेरी बीबी मेरा बच्चा मेरा मकान देश जाए भाड़ में ये हमारी स्वाद हमारी एक भावना हो गई देश के बारे में सोचना हमने छोड़ दिया देशभक्ति चली गई इसलिए फिर से आज हमको चाहिए ये मंत्र लव इंडिया भारत को प्रेम करेंगे भारतवास को भारतवासियों को प्रेम करेंगे भारत की फिर से आएंगे क्यों हमको दूसरा लक्ष्य जो स्वामी जी का भी बाकी है स्वामी जी का यह मंत्र है उठो जागो लक्ष्य प्राप्त एक तरफ रुको मत राजनीतिक स्वाधीनता लक्ष्य नहीं लक्ष्य है समस्त विश्व पर विजय उससे उससे कम मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे कम से मैं किसी प्रकार से कोई प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूं स्वामी जी ने कहा मुझे यही चाहिए लक्ष्य समस्त विश्व पर विजय अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा एटमोम के द्वारा नहीं अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा समस्त विश्व पर विजय भारत जब करेगा तभी सारे विश्व में कल्याण हो, होगा सारे विश्व का कल्याण होगा तो चरित्र निर्माण के द्वारा राष्ट्र निर्माण राष्ट्र निर्माण के द्वारा विश्व निर्माण ये स्वामी जी का सपना भी होना बाकी है इसलिए फिर से स्वामी जी का यही संदेश है उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत और इसके लिए सबसे पहला स्टेप है लव इंडिया लव इंडिया लव इंडिया ओम शांति 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 हरिओम तस्वत श्री राम कृष्णार्पण